लुधियाना वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला जीवन कुमार ने कोरोना के बढ़ती हुई मरीजों की संख्या के बारे में कहा कि यह महामारी है और जनता से विनती की है कि लोगों को इस बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए और प्रशासन को भी गंभीरता से लेते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए ताकि संक्रमण ज्यादा न फैले। उन्होंने कहा कि जनता को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे पूरे देश की जनता इसका विरोध कर रही है और कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रिपोर्ट महेश कुमार। जय भीम, जय भारत। अभी अभी जो मैंने एक वीडियो देखी है, दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब जी के एक चित्र को एक शरारती अंसर पाड़ रहा है और पाड़ कर उस चित्र को जला रहा है। और मैं सरकार से, प्रशासन से, केंद्र सरकार से बेनती करता हूँ कि ऐसे शरारती अंसर को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, इसका मुंह काला किया जाए और कानून के मुताबिक इसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए और इसे फांसी दी जाए। इसने भारत का नहीं पूरी दुनिया का अमन और शांति भंग किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब को भारत नहीं पूरी दुनिया मानती है कि भारत में ऐसे एक इंसान जो कि दलित समाज में पैदा हुआ है और जिसने भारत का एक संविधान लिखा है और भारत की धरती पे ये पहला इंसान है जो कि इतना पढ़ा लिखा है और ऐसे बेवकूफ इंसान को चौराहे में नंगा करके, काला मुंह करके, जूतों का हार डाल के इनको फांसी दे देनी चाहिए, जो कि पूरे भारत की शांति को भंग कर रहा है और लोगों को आपस में लड़ाए मराएगा। तो ऐसे ही इंसान को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं प्रशासन से, केंद्र सरकार से इस चीज़ की बेनती करता हूं कि इसको, ऐसे गंदे इंसान को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि, जय संविधान।